बनासकांठाना विविध संगठनों ने दलित समाज साथे कांग्रेसे रेली योजी आवेदन पत्र आप्यु हतु। ताजेतरमां वडगाम धारासभ्य जिग्नेश मेवाणीनी पालमपुर सर्किट हाउस खातेथी आसाम पोलीसे धरपकड़ करी जेलमां पूरी दीधो छे, जेना प्रत्याघातो समग्र गुजरातमां पड्या छे, जेमां विविध जिल्लाओमां जिग्नेश मेवाणीना समर्थनमां आवेदन पत्र आपी तात्कालिक जेल मुक्त करो तेवी मांग उठवा पामी छे। त्यारे बनासकांठा जिल्लाना मुख्य व्यापारी मथक डीसा शहेरमां बगीचा सर्कल पासे दलित समाज तेमज कांग्रेसना नेताओ सहित कार्यकरो एकठा थई मेवाणीने जेलमुक्तना मुद्दे हाथमां पोस्टर साथे रेली योजी दीपक होटल नजीक आवेल डॉक्टर बाबा साहेबना प्रतिमाए पुष्प अर्पण करी विविध सूत्रोच्चार साथे डीसाना नायब कलेक्टर कचेरी खाते आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे, जेमां डीसाना पूर्व धारासभ्य गोवाभाई देसाई, पूर्व पालिका प्रमुख विपुल शाह, पोपटजी देलवाड़िया, दीपक पटेल सहित मोटी संख्यामां दलित समाजना लोको उपस्थित रही प्रांत कचेरीए आवेदनपत्र आपी सत्वरे झड़पी जिग्नेश मेवाणी जेलमुक्त थाय तेवी मांगणी करी छे। जो राज्य सरकार अने केन्द्र सरकार जिग्नेश मेवाणीने सत्वरे जेलमुक्त नहीं करे तो तमाम कार्यकरो गुजरातमां उग्र आंदोलन करवानी चीमकी पण आपी छे। हाँ, मारा कांग्रेसना धारासभ्य भाई श्री जिग्नेश मेवाणीने आसामनी पोलीस एक रात्रे सूतातन रातोरात एरेस्ट करीने उपाड़ी गई छे। एना विरोधमां समग्र गुजरातनी अंदर आजे बधा जुदा जुदा संगठनों एसटी एससी ओबीसी कांग्रेस पार्टी बधा ज मळीने एना विरोधमां आजे आवेदन पत्र आप्युं छे। सरकारने अहींथी आवेदनना माध्यमथी राज्यपालश्रीने पण मोकल्यू छे कि खरेखर तात्कालिक आने रिहा करवा जोईए, एवो कोई मोटो गुनो कर्यो नथी। अने कांग्रेस तो हमेशा कायदाने मानवावाळी छे, कायदाने मान आपवावाळी पार्टी छे, कदी अमे कायदो तोड़वावाळी पार्टी नथी कि आवुं बधुं थाय। छतां पण एमने खोटी रीते लई गया छे, तात्कालिक रिहाय करे, रिहाय नहीं करे तो आनुं आंदोलननुं मोटुं स्वरूप लेशे અને એમાં મોટું નુકસાન થશે, માટે સરકાર પૂરેપૂરો આમાં રસ લઈને તાત્કાલિક આસામની સરકારને કહીને ભાઈને રિહાય કરે, એના માટેની આ લડત છે અને રિહા નહીં થાય તો આ લડત મોટી થશે।